अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मेरी बहन ने फरमाइश की थी मिर्चे और नींबू का अचार बनाना बताएं, तो उनकी फरमाइश पे फिर मैं थोड़ा सा अचार डाल रही हूँ। मेरे पास तो काफ़ी सारा डला हुआ है, तो अभी उनकी फरमाइश आई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा उनको डाल के दिखा दूँ किस तरह डलता है। बहुत ही आसान है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 4-5 मिर्ची ली हैं और 3-4 नींबू लिए हैं, तो जितना आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से फिर ले लेना। तो इनको मैंने पहले अच्छी तरह से धो के फिर इनको काट के नमक और हल्दी लगा के इनको 1 घंटा धूप पर रखा है, तो उसके बाद अभी मैं फिर अगला काम कर रही हूँ। और ये तेल है हमारे पास सरसों का, और ये अचार का मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया, जिसमें सौंफ और कलवंजी है, कुटी हुई मिर्च है, मेथी दाना है और साबुत धनिया है, सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया, नमक है थोड़ा सा। और ये जो है हमारे पास जो मैंने पहले अचार डाला था, ये 3 आम का अचार जो है 3 के लिए सब ले लिए। और ये सिरका है, शुरू करते हैं। डाल के कोई मुश्किल नहीं है, अचार डालना आसान है। मसाला आप जितना आपको चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डालें, कम डालें। सिरका डालें, ये इसमें 2 से 3 चम्मच जो है सिरके के। अगर आपका अचार ज़्यादा है फिर उस हिसाब से आपको ये डालना होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, बंद करके इसको जो सारा मसाला अच्छी तरह लग जाएगा, इसमें लाइट भी चली गई इधर, मोबाइल की लाइट में जो है वीडियो बन रही है। ये देखें, नज़र आ रहा होगा कि अब इसमें ऑयल डाल दूँ। ऑयल को मैंने गरम करके फिर ठंडा कर लिया था। ये ऑयल में डूबा हुआ हो, बस ये 1 दिन खाने के काबिल हो जाएगा। ज़्यादा अर्सा जो है ये मिर्चों का अचार जो है ज़्यादा अर्सा नहीं ठहरता, काला होना शुरू हो जाता है ना। थोड़ी थोड़ी मिर्चों का डाल के फिर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके तो फिर डालते रहा करें ना, मिर्चें ख़त्म हो फिर और डाल लें इसी मसाले में। लेकिन उनको धूप पे पहले रखें और उनका पानी निकल जाए फिर। जी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये रेसिपी जो है मैंने अपनी बहन के नाम की है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।